सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने एक्सरसाइज 9.5 चल रही थी, उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, सर्वसमिका दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 51 का स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, तो यहाँ पे ए तो ये हो गया बी ये हो गया, तो इस सर्वसमिका का उपयोग करना है। तो इस सर्वसमिका से देखो क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी बनेगा क्या बनेगा 51 प्लस 49, और ए माइनस बी क्या बनेगा 51 माइनस 49। ठीक है, बन गया, जोड़ लो इनको, 51 में 49 जोड़ा तो 100 हो गया, और 51 में से 49 घटाया तो कितना बचा 2 बचा। अब ये दोनों पद गुणा में है, तो गुणा में 200 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 200, यही अपना क्या है आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड वाला, 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर, ये अपन को हल करना है। अब इसमें ए तो ये वाला पद है, बी ये वाला पद है, तो इस सर्वसमिका के हिसाब से खोल दो इसको, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ए प्लस बी तो ये हो गया 1.02 प्लस 0.98, फिर होगा ए माइनस बी, तो 1.02 माइनस 0.98, हल कर लो। 1.02 में जब 0.98 जोड़ेंगे तो ये 2.00 होगा नहीं होगा। अब इधर देखो, 1.02 में से 0.98 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.04, यही बचेगा। अब इनका गुणा करना है अपन को, तो गुणा कर लो, तो देखो 2 का गुणा किससे करना है अपन को 0.04 से, तो 4 दुआ कितना होता है 8, तो 0.08 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये सर्वसमिका दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। तो अब अपन को इसका मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन दे दिया 103 गुणा 104। अब देखो 103 को क्या अपन 100 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, और 104 को अपन 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख दिया, दोनों गुणा में थे, गुणा में है दोनों, 100 प्लस 3 100 प्लस 4। अब देखो ये इस फॉर्म का क्वेश्चन बना नहीं बना, ये तो हो गया एक्स, तो ये भी एक्स, दोनों पद समान है एक्स एक्स, ये क्या बन गया ए और ये क्या बन गया बी, तो आप इसको इस सर्वसमिका के हिसाब से खोल दीजिए। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, यही आता है, तो ए की जगह तो 3 और बी की जगह 4, और एक्स की जगह क्या है अपने पास 100 है यहाँ पे, तो गुणा में क्या आ गया 100 प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 3 और बी क्या है 4, तो देखो 100 का स्क्वायर करो कितना होगा, 100 के पीछे दो बिंदी और लगा दो, प्लस 3 और 4 कितना हुआ 7, इसके गुणा में कितना है 100, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 12, तो ये 10,000 प्लस 7 को 100 से किया तो 700 प्लस 12, तीनों पद जोड़ने जोड़ दीजिए तो 10,712 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 5.1 गुणा 5.2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1, ये हो गया 5.1, और 5.2 को लिख सकते हैं अपन 5 प्लस 0.2, तो ये देखो x प्लस ए और x प्लस बी बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है इस सर्वसमिका के अनुसार, तो इस सर्वसमिका के रूप में जमा दो इसको, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी आता है, a की जगह क्या है 0.1 प्लस b की जगह क्या है 0.2,
और इसका गुणा किससे होता है, एक्स से, एक्स की जगह कितना है पांच, प्लस ए इंटू बी होता है, तो 0.1 गुणा 0.2। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 ये कितना होगा 0.3, और इसका गुणा किससे है 5 से। 0.1 को जब 0.2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो 2 को 1 से किया तो 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक प्राप्त, तो अपने को ये हो रहा है 2, तो अपन को तो दशमलव के बाद 2 अंक लाने, तो 2 अंक कैसे लाएंगे ऐसे, तो 0.02 प्राप्त हो जाएगा ये 25। अब देखो 0.3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 तीया 15 होता है, और दशमलव के बाद एक अंक है तो ये 15 लिख दो, दशमलव के बाद एक अंक ये आ गया 1.5 प्लस। अब देखो इसको जोड़ो, 25 और 1 26 हो गया दशमलव, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0.2 है, तो ये 5 का मतलब हो गया 1.50, तो अब इसमें जोड़ लो तो ये क्या होगा 1.52 हो जाएगा, तो 26.52 ये अपना आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट कीजिए। अब ये देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, 9.7 गुणा 9.8, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.7 गुणा 9 प्लस 0.8 लिख दिया ये इसको। अब देखो यहाँ पे ये तो बन रहा है x, ये हो रहा है a, ये x और ये b, तो x प्लस a, x प्लस b, ये वाली सर्वसमिका बन गई, तो इसके अनुसार खोल दीजिए इसको, तो x का स्क्वायर, तो देखो x का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a क्या है 0.7 प्लस b क्या है 0.8, और इसके गुणा में होता है x, x की जगह क्या है 9 प्लस a इंटू बी, तो a क्या है 0.7 इंटू 0.8। ठीक है, अब देखो 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो गया प्लस 0.7 और 0.8, जब इसको अपन जोड़ेंगे तो देखो 8 और 7 क्या हुआ 15, तो 1.5 इसका गुणा किससे हो गया 9 से प्लस 0.7 को जब 0.8 से गुणा करेंगे तो देखो 8 सत्य होता है 56 और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे एक अंक यहाँ पे दोनों गुणा में, तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 2 अंक, क्योंकि एक यहाँ गुणा किया तो 56 हुआ, तो 0.56 81 प्लस, अब इसको गुणा कर दीजिए, देखो 9 5 45 और एक नाम नाम 9 और 4 13, तो 13.5 प्लस 0.56। अब इनको जोड़ना है अपन को, तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे 0, तो जोड़ लीजिए, देखो 81 और 13 तो ये कितना हो गया 94। अब देखो 0.50 0.56 अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान भी तो 1 से बड़ा होगा, तो 94 और 1 कितना हो जाएगा 95, और यहाँ पे 50 और 56 106 होता है, एक तो इधर चली गया बचा गया 0.6, तो अपना आंसर क्या आ गया 95.06। इसको नोट कीजिए, इसके बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। धन्यवाद।